Elder Brothers एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के इस ब्लॉग में आपको दिखेगा कि आप कैसे एक परफेक्ट MTV ले सकते हो अपने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस बाइक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस बाइक में हमें मिलता है शिमानो की गेयरिंग, जो कि है शिमानो टॉर्नी। आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें कॉम्बी ब्रेक मिलते हैं, जो है शिमानो की तरफ से। इसकी सीट क्वाइट कंफर्टेबल है, मतलब हम इसे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें लाइट स्टील की बॉडी मिलती है, मिलते हैं प्लास्टिक के पैडल्स, और जो फैंटम है वो एक US ब्रांड है। तो अब हम इस बाइक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें इस बाइक में कलर मिलता है ग्रे प्लस नियॉन, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सेटिस्फाइंग कलर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इस बाइक में क्विक रिलीज मिलता है फ्रंट सस्पेंशन में। इसके जो फ्रंट फोक्स हैं वो हमें मिलते हैं 155 ml के। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बाइक का प्राइस इंडिया में, मतलब ये बाइक आपको मार्केट में 14,000 की मैंने ली थी जब ये थी। इस बाइक को हो चुका है कम से कम 2 से 3 महीना। अगर आपको ये बाइक अभी बाय करनी है तो अभी कुछ प्राइस बढ़ गए होंगे, पर आप मार्केट में जाके या फैंटम के ऑफिशियल ब्रांड में जाके इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी आपका अभी रिव्यू देखा है कि कैसी थी ये साइकिल। तो एक अगर आपको परफेक्ट MTV चाहिए, आप कार्बन बॉडी ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको अगर आप कभी किसी माउंटेन वाली जगह ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको कंधे में उठानी पड़ती है। और आप इसमें आप गियर चेक करके, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आपको हैंडल बार लिमिट की से ज़्यादा लेना चाहिए। तो और बाकी तो सस्पेंशन देख के लेना चाहिए। एलुमिनियम बॉडी है इसकी, और गियर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और मेटेलिक इसके पैडल्स हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ये भी ले सकते हैं। तो पावर ब्रेक चाहिए ताकि आप सेफली ट्राई कर राइड कर सकें। और एक प्लास्टिक पैडल। सो गाइस, ये वाली MTV जो हमने ली थी वो मिड रेंज के लिए। अगर आपको थोड़ी हाई रेंज वाली देखनी है तो ये एक और MTV है। ये आपको मिनिमम प्राइस इसका 28,000 मिल जाएगा। और ये भी एक लाइट वेट है और बहुत अच्छी, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी। और एलुमिनियम बॉडी है इसकी, और गियर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और मेटेलिक इसके पैडल्स हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ये भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सेसरीज हैं जो MTV के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनमें से पहली एक्सेसरीज है ये ओखला। ये जो ओखले हैं ये हमने अमेजोन से बाय किए थे। इनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इनका प्राइस 800 to 900 है। अगर आप लोग इन्हें बाय करते हैं तो आपको जो सनरेज होती है उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। और आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमें साइकिलिंग में चाहिए, एक हेलमेट है। हमारे पास अभी 2 हेलमेट अवेलेबल हैं। उनमें से जो हमारा पहला हेलमेट है वो है हमारे रॉक राइडर का। ये हेलमेट हमें मिड रेंज का है। ये हेलमेट हमें 800 to 1,000 के बीच में मिल जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और हेलमेट है, जो कि है डिकैथलॉन से ही, और ये वेन रिजल का है। इसका प्राइस है 1400 to 1500। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी सेटिस्फाइंग हेलमेट है। इसके लुक्स भी काफ़ी प्रॉपर हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ हमें बहुत ज़रूरी मिल चाहिए, वो की है ग्लव्स। ग्लव्स हमें डिकैथलॉन में ये 200 to 300 के बीच में मिल जाएंगे, और काफ़ी कम्फर्टेबल ग्लव्स हैं। अगर हम ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो इन ग्लव्स का हमें बहुत यूज़ होता है। आगे अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए चाहिए तो आप एक डिकैथलॉन से बैग ले सकते हैं। ये क्वेशा का बैग है, और इसका प्राइस है 255 to 300 तक। अगर आप ये लेना चाहें तो आप डिकैथलॉन के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। थैंक यू।